हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मेरे किचन में देखते हैं किस तरह से बनाते हैं हम पनीर टिक्का। ये फ्रेंड्स, मैंने रोस्टेड जीरा लिया है थोड़ा सा, ये मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है और एक हरी मिर्ची और एक कटोरी मैंने फ्रेश दही लिया है। इन सबको मैं मिक्सी में ग्राइंड करूंगी। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है इसे अच्छे से। अब मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र करूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत पतला हो गया है। इसमें मैं एक चम्मच बेसन मिलाऊंगी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिल गया है ये। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी। ये देखिए इससे बहुत अच्छा रंग आता है। इसे मैं घोल लूँगी चम्मच से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब इसमें मैं एक चम्मच काला नमक डालूंगी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब दोस्तों, मैंने ये पनीर के पीसीस देखिए इस तरह से काटे हैं रेक्टेंगुलर शेप में। और ये मेरी वेजीज हैं, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च, जिन्हें मैंने बड़ा बड़ा काटा है। अब मैं पनीर के पीसीस, ये जो हमारा दही है, इसमें मैरिनेट करने के लिए डालेंगे। ये देखिए वन बाय वन हम इस तरह से सारे पीसीस इसमें डालेंगे और अपनी सारी वेजीज इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे मिलाएंगे और इसे फिर मैं फ्रिज में रखूंगी 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसमें मैं एक नींबू का रस डालूंगी। ये देखिए, और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। चलिए हम तब तक अपनी चटनी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये मैंने हरी धनिया लिया है थोड़ी सी, एक नींबू, 2 हरी मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, रोस्टेड जीरा, नमक और अदरक। इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं 2 चम्मच दही ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए चटनी हमारी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। चलिए हम अपनी वेजीज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाला है, ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब ये मैंने तवा गरम किया है और इस पर मैं बटर डालूंगी। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से फैला लीजिए तवे पर। ये देखिए, और इसमें मैं पनीर के पीसेस डालूंगी एक एक करके। ये देखिए, और दोस्तों तवा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को कम कर लें। ये देखिए, हमें इन्हें लाल होने तक अच्छी तरह से पकाना है। ये देखिए दोस्तों, ये इसको नीचे से चेक कर लेते हैं, ये ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। ये मैंने सारे पलट लिए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखिए सेम प्रोसीजर से हम इसमें अपनी सारी वेजीज डालेंगे। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ, इसे भी हम 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। गैस की फ्लेम याद रहे, बिल्कुल सिम होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पक चुकी है सब्जी और इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और इनको भी अच्छी तरह से हिलाते हुए हम चलाएंगे। ये देखिए प्याज हमारे सारे इस तरह से अलग हो गए हैं। इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें टमाटर के पीसेस डालेंगे अपने। ये देखिए, और इन्हें भी 1-2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पक चुके हैं, निकाल लेते हैं हम। अब फ्रेंड्स, ये मैंने सीक ली है और इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है। इसमें मैं अपनी ये वेजीज डालूंगी एक एक करके। पहले हम इसमें प्याज डालेंगे, पनीर, टमाटर और उसके बाद ये शिमला मिर्च का पीस, और इसी प्रोसीजर से हम सारी वेजीज इंसर्ट करेंगे। दोस्तों, ये बाज़ार में आपको बहुत ईजीली स्टिक लकड़ी की भी मिलती है, वो आप ख़रीद सकते हैं इसके लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी वेजीज अपनी लगा ली हैं। ये देखिए,
और इसी प्रोसीजर से मैं सारी वेजीज अपनी लगा लूँगी इनमें। ये देखिए दोस्तों, ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, अब मैं गैस पर इनको मैं गैस पर स्टैंड रखूँगी और इन्हें गैस पर इस तरह से हम रखेंगे। गैस की फ्लेम बहुत तेज़ है तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। ये देखिए, हम एक साथ दो रख सकते हैं और इसे घुमाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि अच्छी तरह से भुने हर तरफ से। ये देखिए, इस तरह से हम इन्हें पकाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं ये। ये देखिए दोस्तों, ये बनकर हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं खाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, बाय बाय।